और अब आपको लेकर चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पोते की शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और ये जयपुर शहर की सबसे बड़ी शादी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। मंत्री शांति धारीवाल की पोती का विवाह समारोह और आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी पहुंची हैं। इससे पहले कई गणमान्य लोग भी समारोह में पहुंच चुके हैं। मंत्री लालचंद कटारिया पहुंच चुके हैं, मंत्री रमेश मीणा पहुंच चुके हैं, विधायक हरीश मीणा पहुंच चुके हैं, कृष्णा पूनिया पहुंच चुकी हैं, रफी खान पहुंच चुके हैं, बीजेपी से अशोक परनामी पहुंच चुके हैं, वहीं कांग्रेस से जीआर खटाना, जोगेंद्र सिंह अवाना, दुर्रु मियाँ, रोहिता शर्मा, पुखराज पाराशर भी समारोह में पहुंचे हैं। और ये दरअसल बिलवा के गठबंधन गार्डन में समारोह हो रहा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल कनक वृंदावन सात फेरे लेगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गठबंधन मैरिज गार्डन पर ये कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में पहुंचे हैं, सभी से मिल रहे हैं। अभी आपने तस्वीरों में धर्मेंद्र राठौड़ को देखा, इसके अलावा तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हैं। मंत्री शांति धारीवाल की पोती का ये विवाह समारोह और जयपुर शहर की सबसे बड़ी शादी इसको कहा जा सकता है, जहां तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गोविंद डोटासरा, अविनाश पांडे, इसके अलावा मंत्री रघु शर्मा, तमाम दिग्गज जो हैं वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं। भंवर सिंह भाटी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शकुंतला रावत आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। तमाम दिग्गज और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कैबिनेट के तमाम मंत्री यहाँ पहुंचे हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के चैनल है जगदीश चंद्र कार्यक्रम में पहुंचे, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मिलते हुए और उनकी पोती को आशीर्वाद देने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। तमाम नेताओं से मिलते हुए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंत्री विधायक तमाम दिग्गज नेता और गणमान्य लोग। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पोती की कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, शादी का समारोह का कार्यक्रम है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गणमान्य लोग पहुंचे और ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के चैनल है जगदीश चंद्र यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मिलते हुए शुभकामनाएं देते हुए और बेटी को आशीर्वाद देने के लिए नए दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। तमाम दिग्गज नेता पहुंचे, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आपको तमाम नेता नजर आएंगे, धर्मेंद्र राठौड़, गोविंद डोटासरा, इसके अलावा अशोक परनामी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कार्यक्रम में पहुंची हैं आशीर्वाद देने के लिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहपरिवार पहुंचे हैं। धर्मपत्नी सुनीता गहलोत के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में पहुंचे और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान मीडिया प्रभारी महेंद्र भारद्वाज, भंवर सिंह भाटी से मुख्यमंत्री जो बीजेपी के दौर में रही वसुंधरा राजे बातचीत करते हुए। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम दिग्गज नेता आपको दिखाई देंगे। जयपुर शहर का सबसे बड़ा कार्यक्रम इसको कहा जा सकता है जिसमें तमाम दिग्गज एक साथ मौजूद हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पोती को आशीर्वाद देने के लिए। और हर कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने पर उनका स्वागत करते हुए गठबंधन मैरिज गार्डन जहां ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, न राजनेता, बल्कि तमाम गणमान्य लोग, मंत्री, विधायक, हर कोई
यहाँ इसलिए पहुँच रहा है क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पोती की शादी का ये समारोह है और हर कोई उन्हें आशीर्वाद देने के लिए दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंत्री रघु शर्मा, शकुंतला रावत, अविनाश पांडे। आज दरअसल आज ही दिल्ली से वो जयपुर आए हैं और एयरपोर्ट पर जब उनसे मुलाकात की गई, सवाल किए गए, तो भी उन्होंने ये कहा कि वो दरअसल एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और वो निजी कार्यक्रम दरअसल यही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पोती की शादी। और एक जाजम पर तमाम दिग्गज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल कनक वृंदावन में सात फेरे होंगे। आज टोंक रोड के बढ़िया फार्म हाउस पर प्रतिभोज और गठबंधन मैरिज गार्डन पर ये कार्यक्रम हो रहा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करने पहुंचे हैं, तमाम मंत्री, विधायक और दिग्गज नेता भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के चैनल हेड जगदीश चंद्र भी शिरकत करने पहुंचे हैं। जयपुर शहर की सबसे बड़ी शादी इसको कहा जा सकता है। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और ये तस्वीर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धर्मपत्नी सुनीता गहलोत के साथ आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और ये तस्वीर अपने आप में महत्वपूर्ण, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान मास्टर भंवरलाल मेघवाल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी दिखाई दे रहे हैं, ममता भूपेश आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगभग हर मंत्री यहाँ पर मौजूद है, लगभग हर विधायक मौजूद है जो आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं, पुराने दिग्गज नेता इसमें मौजूद हैं। और ये तस्वीरें दरअसल बताती है कि राजनीति में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और इसीलिए हर कोई कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंचा ताकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पोती को आशीर्वाद दिया जा सके। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। राजेश्वरी के साथ परिणय सूत्र में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पोती, का शादी समारोह दरअसल ये, और मंत्रणा यहां पर भी लगातार चलती रहेगी क्योंकि हर कोई पहुंच रहा है, बातचीत और उसके बाद आशीर्वाद। कुछ मिनट पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, उनके साथ उनके धर्मपत्नी और अविनाश पांडे। ये जो पूरा कार्यक्रम है दरअसल गठबंधन मैरिज गार्डन के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की है। पत्नी सुनीता गहलोत के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम मंत्री, विधायक यहां मौजूद हैं और जैसा कि जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कार्यक्रम में पहुंची और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के चैनल हेड जगदीश चंद्र भी कार्यक्रम में पहुँचे हैं ताकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पोती को आशीर्वाद दिया जा सके। इसके अलावा भी तमाम नेता जो पहुंचे हैं